लैम कोट लेना चाहिए फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड कोट लेना चाहिए। अच्छा, और क्या खिलाते हैं इसको आप? इसको जो वही फीड खाते हैं वही ये खाते हैं। चार किलो कीमा ये खाता है? चार किलो। चार किलो रोजाना? जी, मतलब एक किलो सुबह, एक किलो दोपहर, एक किलो शाम, एक किलो जितना खा ले, चार किलो पूरा खा जाता है। इनकी अभी फीड कम की हुई है, ये छह किलो खाता था, इसको कम किया, ये बहुत ज्यादा फैटी हो गया था। अच्छा, और हम लोग कच्चा डालते हैं रामी, क्यों बॉयल करके नहीं डालते? डॉक्टर साहब, कच्चा डालना चाहिए? मेडिकली तो ये एडवाइस नहीं है कच्चा डालने से इनको। हाँ? थोड़ा सा बॉयल करके खिलाते हैं। हम सारे मेरे 27 डॉग्स हैं, सबको कच्चा डालते हैं। मजा बस रशिया में कच्चा ही डालते हैं। रशिया में जितने हैं ना उनके पास सारे बड़े साइज के डॉग होते हैं। इनके साइज ज्यादा बड़े होने की वजह भी यही है कि इनको कच्चा गोश्त डालता है। तो आप लोग डॉक्टर साहब क्यों कहते हैं कि इनको बॉईल करके थोड़ा सा दें? बॉईल करने से एक तो उसमें जरासीम किसी भी किस्म के मर जाते हैं। अगर बिल्कुल फ्रेश हो, और बाहर के कंट्रीज में आपको पता है बर्फानी इलाकों में ये ब्रीड्स रखी जाती हैं, जहाँ पे हर वक्त बर्फ होती है, तो वहाँ पे गोश्त खराब भी नहीं होता और ये डॉग्स भी उसको सही तरह फिर डाइजेस्ट कर लेते। तो आप गोश्त को कैसे? हम लोग जो है लोग लेते हैं जाके ओजरी का कीमा बनवा लेते हैं, कुछ लोग पंजों का कीमा बनवा लेते हैं। हम लोग ये नहीं करते, हम जो खुद खाते हैं हम वही इनको देते हैं। क्या क्या बात है यार, जबरदस्त। लेकिन ये कीमा रहता कैसे? रोजाना चार किलो कीमा फ्रेश आता नहीं है? हम फ्रीजर सबने रखे हुए हैं। अच्छा, तो लाके कोई 200 किलो 300 किलो फ्रीज कर देते हैं और फिर वो डालते हैं, मतलब पैकेट बना बना के। हाँ जी, दो दो किलो के पैकेट बने होते हैं। और वो दो किलो का पैकेट निकाला? हाँ जी, दिन में किसी एक टाइम पे, एक टाइम सुबह दे दिया एक टाइम शाम को। तो वो पैकेट तो जमा हुआ होता होगा ना? हाँ जी। तो फिर उसे कैसे करते हैं? वो थोड़ी देर पानी में रखते हैं, वो डीप फ्रीज हो जाता है। डीप फ्रीज हो जाता है और आप ऐसे ही से डाल देते हैं। अच्छा, ऐसे डायरेक्ट इनको देने से कोई मसला भी हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल, ये बीमार भी हो सकते हैं और इनकी प्रॉपर टाइमिंग पे खुराक देनी चाहिए और खास मिकदार में देनी चाहिए। और लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब से मैं इनको दे रहा हूँ ना, मैं वेट के पास नहीं गया। वेरी गुड, जब से दे रहा हूँ वेट के पास। डॉक्टर साहब, मैंने डॉक्टर्स के खाल उतारने का सुना था, वेट भी बहुत खाल उतारते हैं। एक वेट का विजिट जो है वो आपको हजारों का पड़ता है। मैं तंग आ गई थी, रोने लग पड़ी थी एक दिन जब मेरी एक बिल्ली बीमार हो गई और सिर्फ एक दिन के विजिट के मैंने कितने पे किए होंगे, 15,000 रुपए। क्या है, दो टीके लगे थे, पता नहीं क्या दिया था, क्या दिया था, क्या। और जब मैंने पे किया ना, बाहर निकल के मैंने अपने बच्चों को कहा, मैंने कहा अच्छा तुम भी निकलो इसके साथ। अच्छा, मेरे पास पिटबुल ज्यादा है ना, अमेरिकन बुली और पिटबुल ज्यादा है, इनके कान काटते हैं तभी ये खड़े होते हैं। ये देख रहे हैं आपने स्विचेस के निशान है, ये कान काटते हैं और फिर ये खड़े होते हैं। ठीक है, तो जब डॉक्टर के पास जाते थे कोई 10,000 मांगता है, कोई 15,000 मांगता है, तो फिर मैंने ये खुद ही सीख लिया। अब मैं इनके कान खुद ही काट, आप कान कुतरने में माहिर हो, तीनों के कान खुद ही काटे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। तो अब आपने किसी ने डॉक्टर साहब से पूछे कैसे कटे हैं, डॉक्टर साहब बताएंगे कैसे कटे हैं। डॉक्टर साहब देखने में तो ठीक ही लग रहे हैं, देखने में ठीक लग रहे हैं। आपने सर्जरी कैसे की, एनेस्थीसिया इसे कैसे दिया? एनेस्थीसिया दिया खुद ही, इसको बेहोश किया है। अच्छा। उसके बाद इसको क्या नाम है, कान स्टिचेस भी खुद ही लगाई। अच्छा। और इसको पहले वो मार्किंग की है, उसके बाद वो स्टिचेस वाली वो कैंची होती है ब्लड रोकने वाली, वो लगाई दो ताकि ब्लड रुक जाए। और जब कान काटे, आप बिलीव करेंगे कि डॉक्टर जो कान काटते हैं वो एक बोतल ब्लड निकल आता है। जब मैंने कान काटे तो इसका एक ढक्कन जो पेप्सी का होता है वो भी नहीं निकला होगा, वो भी नहीं निकला। इसका मतलब आप ज्यादा अच्छे डॉक्टर हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, डॉक्टर डॉक्टर होता है। बस बात हमें ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो डॉक्टर के पास ही होती है, कान काटना और बात है। और अच्छा, कभी घर में बीमार हो जाए तो आपकी टिप क्या है? खुदा ना हास्ता इनमें से कोई छोटी मोटी बीमारी हो तो हम खुद ही कर लेते हैं, बुखार चढ़ गया, मतलब बुखार चढ़ गया, तो घर में जिन्होंने रखे हुए उनके लिए क्या टिप है? वो क्या, उनके लिए टिप यही है कि केयर करें, सर्दी गर्म जगह पे, कौन सा सिरप दें इनको जब बुखार चढ़ता है, तो इसको ब्रूफिन देते हैं जल्दी अगर बुखार, बच्चों को ब्रूफिन देते हैं वही बोतलें घरों में होती हैं, सेम वही दवाई, वही सिरिंजों में भर के इनको, सेम वही, अगर इनको खांसी लगती है तो वही खांसी का सिरप है बच्चों वाला। हाँ हाँ जी, सब कुछ वही है। ठीक है, और इसके अलावा अगर मतलब और क्या, पेट खराब हो गया है तो क्या करते हैं? पेट खराब हो गया तो इसको हम फ्लैजल देते हैं। अच्छा, उसी तरह फ्लैजल सिरप जो है वो सिरिंज में डाल, और इनको स्टार्ट में हमें डिवर्म करना पड़ता है, जैसे वो पेट में कीड़े होते हैं ना, वो फिर इनको हमने डिवर्म करना होता है हर 6 वीक बाद। अच्छा, तो और उसके बाद जब एज बढ़ती जाती है उसका टाइम पीरियड भी बढ़ता जाता है। अच्छा, तो डिवर्म करने का क्या तरीका है? डिवर्म करने का जेंटल मिलती है, कोमेंट्रीन मिलती है, और मेडिसिन है, पैराफ्रिन है, काफी सारी मेडिसिन आती है, उनसे डिवर्म करते हैं। वही जो बच्चों के पेट की कीड़ों की दवाई है वही आपने इनमें दे दी। बिल्कुल सही। अच्छा, मतलब ये खतरनाक होता है जर्मन शेफर्ड? बहुत जर्मन शेफर्ड फैमिली डॉग है, खतरनाक तो नहीं है। जर्मन शेफर्ड गार्ड डॉग नहीं है? गार्ड डॉग, तो गार्ड डॉग इज सपोज टू गार्ड,
वो ट्रेनिंग के ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है। अच्छा, ट्रेनिंग दें तो फिर आपने केनाइन ट्रेनिंग नहीं दी इसको? नहीं दी। क्यों? फिर जर्मन शेफर्ड रखने का फायदा? पिटबुल्स और अमेरिकन बुलीज के साथ रहना होता है इसने, तो फिर वो आपस में लड़ते रहेंगे। आपस में लड़ते रहेंगे। लेकिन कभी सोचा इसे केनाइन ट्रेनिंग का? नहीं, अभी तक तो अभी तक नहीं सोचा। सही, लेकिन जर्मन शेफर्ड का मजा आता है अगर वो ट्रेंड हो। हाँ जी, बिल्कुल ट्रेंड हो। उसमें उसमें उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है सारी फर्क होती है। डॉक्टर साहब, इनसे बीमारियां कौन सी लग सकती हैं और क्या क्या हमें हिफाजती तदाबीर करनी होती है जानवरों से जो इंसानों में? मैं आपसे बात करने से पहले एक ब्रेक के लिए यहाँ पे आपकी इजाजत से रुकूंगी, तो ब्रेक के बाद हम फिर कंटिन्यू करें। आमदीद, मेरे पीछे ये आपको मकाओ एक करतब करते हुए नजर आ रहा है, कभी ये नीचे चला जाता है, कभी ऊपर चला जाता है, डांस कर रहा है उस वक्त से। सो ये मुख्तलिफ हॉबीज जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, जिसमें फिलहाल पेट्स हैं हमारे पास जिन लोगों ने रखे हुए। ये एक तोता भी है और ये तोता बोलता है, सुना है कि ये बात नहीं करता है, ये मिठू, ये मिठू, लेकिन ये उसी से बोलता है जिससे इसने बोलना होता है, यानी हर एक के साथ नहीं बातें करना शुरू कर देता। और हमारे पास एक और भी बड़ी जबरदस्त सी ब्रीड है, ये कौन सी है? मेंडिस। ये बड़ी क्यूट सी है और लेकिन ये मेरे ख्याल डरी हुई है बाकी सबसे। क्यों? ये तो इसी की अपनी फैमिली नहीं है? ये अच्छा, ये यानी थोड़ा सा डरता है ज़्यादा। और ये देखा, बहुत क्यूट सा ये डॉगी है। सो ये कितनी एज है इसकी? 2 ईयर्स। ये तो हिल ही नहीं रहा। ये सिर्फ तुमसे हिलता है? तो चलो फिर इसे हिलाओ। और ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? मोरनी हैंडी नहीं है मेरे पास, माइक दीजिएगा। अब वो बेचारी हाथ में मोर पकड़ के बैठी हुई है। ये हाथ में मोर है आपके? ये मोरनी है। मोरनी। सो मोरनी की चाल बड़ी मशहूर है। मोर की चाल मशहूर है, मोरनी की चाल मशहूर है? हिरनी की चाल मशहूर है। मोरनी की भी थोड़ी सी होती है, मोरनी की नहीं होती? मोर के पंख मशहूर। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, इनकी वैक्सीन क्या होगी? बर्ड्स में हम ज्यादातर इनमें रानी के जो न्यूकासल डिजीज है और रेस्पिरेटरी ट्रैक की मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं वो इनमें होती हैं, और उनको हम रेगुलर वैक्सीनेशंस करते हैं। अच्छा। हर 3 से 4 महीने बाद जो घरों में बर्ड्स रखे होते हैं। ठीक है। और क्या परिंदों से वो मुख्तलिफ वो जो स्वाइन फ्लू वगैरह टाइप की चीज़ें हैं घर में रखे हुए परिंदों से फैल सकते हैं? अगर खुदा ना खास्ता ऐसी बीमारियाँ, वैसे इतनी कॉमन नहीं है हमारे, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हमारे परिंदों में हो तो फिर डेफिनेटली। और क्या सिम्टम्स होते हैं जो अलर्ट होने वाले होते हैं जिन लोगों ने घर में परिंदे रखे हुए? इनमें कोई भी नाक से या मुंह से डिस्चार्ज हो, आंखों में सोजिश हो, और ये जो बीट करते हैं वो पतली हो। अच्छा। और ये सुस्त रहे, ठीक है, अपने आप को फुला के बैठे या खुराक लेना छोड़ दें, ठीक है, तो आपने इनको फौरन डॉक्टर को दिखाना है, चेक करवाना है। अच्छा, और क्या डाइट, क्या फीड होनी चाहिए इनकी? बाज़ औक़ात लोग रखते हैं, उन्हें लगता है ब्रीड नहीं कर रहे या फिर ग्रो नहीं कर रहे, तो फिर क्या इनको देना? इनकी हर किस्म की ये सीड्स खाते हैं, प्लस इनकी कमर्शियल बनी बनाई फीड्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है, जो कि बहुत न्यूट्रिशियस होती हैं, ताकतवर होती हैं। आपके ख्याल में जैसे ये सारे जानवर हैं इनको वो जो पैकेट्स में मिलते हैं वो देनी चाहिए खुराक जो इम्पोर्टेड या बाज़ औक़ात लोकल होती है, या फिर ये जैसे ये लोग कीमा डाल रहे हैं और ऐसी चीजें? फ्रेश फूड सबसे बेहतर है। अच्छा। उसमें आप कीमा, वेजिटेबल्स और राइस या बीट वगैरह या रोटी वगैरह भी बॉइल करके आप उसमें ऐड करें, सबसे बेस्ट तो फ्रेश फूड है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है या आप कमर्शियल फूड्स में भी आप अच्छा ब्रांड्स यूज करें तो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जैसे इनको कीमे के साथ रोटी भी डाल देते हैं कभी कभी साथ? रोटी नहीं डालते, ग्रेन्स जो है इनके लिए अच्छे नहीं है। अच्छा। तो इसलिए फिर इसको क्या नाम है, हम डॉग फूड कभी परचेज कर लें अच्छे ब्रांड का। फार्मीना का मिलता है, रॉयल कैनन है, इस नाम मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, तो वो फिर हम डाल देते हैं कीमे में मिक्स करके। न्यूट्रा गोल्ड भी है, और जब टाइम ना हो तो बिल्कुल जान छुड़ाने के लिए तो वही डाल के चले जाते हैं। तो ये बहुत महंगी मिलती है सारी चीजें। तो लेकिन वैक्सीन इनकी कौन सी जरूरी है? वैक्सीनेशन घर में रखे होते हैं बाजू का, वैक्सीन करवाई नहीं होती? हाँ जी, ये सबसे जरूरी है। अगर आप जब भी जानवर घर में रखें उसको वैक्सीनेशन मुकम्मल रखें, तभी ये आपके लिए हार्मलेस होंगे, अदरवाइज इनसे आपको बीमारियाँ लाइक हो सकती हैं। ठीक है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है रेबीज, जैसे कि कुत्तों में बावलापन एक बीमारी है, उसकी वैक्सीनेशन
बच्चों में हम दो दफ़ा करते हैं, फिर बड़े डॉग्स में हर साल एक दफ़ा करते हैं, उससे ये महफूज रहने चाहिए क्योंकि वो एक बच्चों में क्या मतलब है, किस एज पे पपी को रेबीज पपी को हम 6 वीक्स से स्टार्ट करते हैं वैक्सीनेशन, 6 वीक्स पे रेबीज की उसे एक डोज लगेगी। हाँ, अच्छा, और उसके बाद और उसके बाद 21 दिन के बाद हम दोबारा उसको बूस्टर लगाते हैं, 21 दिन के बाद उसे बूस्टर लगेगा और फिर उसके बाद सालाना। इसके अलावा कुछ इनकी बीमारियाँ हैं जो कि जिनसे हमें तो खतरा नहीं है लेकिन इनको खुद वायरल डिजीज है, उससे इनको बहुत खतरनाक बीमारी होती है और मर भी जाते हैं ये पपीज जो छोटी एज में। ठीक है, तो इनकी मुकम्मल पार्वो है, जैसे डिस्टेंपर है, हेपेटाइटिस है, लेप्टोस्पायरोसिस है, और इन सब की वैक्सीन लगती हैं। बिल्कुल, वैक्सीन होती हैं, वो हम इनका प्रॉपर रिकॉर्ड बनाते हैं और हम नेक्स्ट डेट इनको देते हैं कि इस डेट पे आपने दोबारा लगवानी है। तो जो कॉन्शियस ओनर्स हैं, जो अच्छे शौकीन लोग हैं जो घरों में रखते हैं, वो सब उसी डेट्स पे प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाते हैं और तभी जानवर। इसके अलावा इनके पेट में कीड़ों की बहुत जरूरी होता है कि पेट के कीड़ों से भी इनको दवाई दिलवाई जाए, डिवर्मिंग जिसे कहते हैं, और इनके जिस्म पे भी फ्लीज और लाइसेस और टिक्स जो कि खून चूसने वाले कीड़े आपको जिस्म में नजर आ सकते हैं, वो उनके लिए भी हम स्प्रे करते हैं मुख्तलिफ। ठीक है, यहाँ पे जिक्र हो गया तो कॉन्गो का भी बता दीजिए क्योंकि टिक्स से और फ्लीज से ही कॉन्गो भी फैलता है। हाँ, क्या इन जानवरों से ये जैसे इसके बाल हैं बहुत सारे, इसमें कॉन्गो के हो सकते हैं? नहीं, डॉग्स में ये ज्यादातर बीमारी लार्ज एनिमल्स जैसे गाय भैंस या जो सब कुर्बानी के लिए लोग घरों में जानवर लाएंगे, बकरे, इनमें ये बीमारी हो सकती है लेकिन इतनी कॉमन नहीं है। अच्छा, इसकी एहतियात यही है कि ये बीमारी जो टिक्स होते हैं इनके ऊपर, जो जिस्म के ऊपर कीड़े होते हैं खून चूसने वाले, उनसे ये बीमारी फैलती है। अगर एक कीड़ा एक बीमार जानवर से खून चूस के एक सेहतमंद जानवर में आएगा, उसको काट लेगा, उसके खून में वो बीमारी मुंतकिल कर देगा और फिर वो जानवर भी बीमार हो सकता है। और इस तरह इंसान को भी अगर इससे अगर इंसान उस जानवर को हाथ लगाए या उसके उसका खून उसके हाथ से टच हो तो उसको वो बीमारी ट्रांसफर हो सकती। अच्छा, है इसलिए आपसे एहतियात इसकी ये है कि ग्लव्स पहन के एनिमल्स को हाथ लगाएं और गैर जरूरी तौर पे जानवरों को करीब ना जाएं, उनको हैंडल ज्यादा ना करें, बच्चों को भी जानवरों के पास ना जाने दें ज्यादा, जो मवेशी खासतौर पे कुर्बानी के आएंगे बिल्कुल उनके पास ना जाए, दस्ताने पहने जाने, और उनको अगर उनके जिस्म पे कोई आपको कीड़ा नजर आए या टिक्स नजर आए तो फौरन उसको स्प्रे कराएं। अच्छा, स्प्रे करके भी ला सकते हैं हम घर से, स्प्रे करके ही लाएं घर में, आजकल करके घर पे लाएं ज्यादा बेहतर। बिल्कुल जरूरी है। आजकल जो स्प्रे कौन से, वो कहाँ से मिलेंगे जो उनके ऊपर? वो आजकल कैटल मार्केट्स में तो गवर्नमेंट ने अरेंज किए हुए हैं, वहाँ पे स्प्रे कर रहे हैं डॉक्टर्स और अमला वहाँ पे मौजूद है, वो कैटल आप जब खरीदें तो उसको स्प्रे करवा के घर लाएं बेहतर है। ठीक है, सो जिस भी जानवर को आप अब ईद के लिए खरीदेंगे वहाँ पे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि मंडियों में ही अरेंज किया हुआ है कि स्प्रे करवा के उसे घर लेकर आए ताकि एक बीमारी जिसके थोड़े ये बहुत वायरल है। बिल्कुल, बहुत वायरल और बहुत खतरनाक बीमारी है और एक से दूसरे में बहुत तेजी से फैलती है। बिल्कुल, अभी कल परसों भी वजीर आला पंजाब ने मौतलियाँ की हैं, कुछ केस के ऊपर काबू नहीं पाया जा सका, तो इससे बेहतर है कि हम हिफाजती तदाबीर जो है वो इख्तियार करें। कुछ बातें जो है हमने कुछ ब्रांड्स की करनी है जिसमें लाइफ बॉय, जिनका कहना यह है कि माँ और बेटी का रिश्ता बहुत खास है और माँ के अंदर वो ताकत होती है कि वो अपनी बेटी को कामयाब कर सके, और हर कामयाब जो औरत है उसके पीछे एक औरत का हाथ भी होता है। माँ अपनी बेटी के ऊपर जो इतमाद करती है, उसको जो पढ़ाती है, उसके नतीजे में वो ज़िंदगी में अपने ख्वाब हासिल कर सकती है, और 10 लाख से ज़्यादा माँ ने अहद किया कि अपनी बेटियों को उन्होंने ज़रूर तालीम दिलवानी है, और 10 लाख स्कॉलरशिप्स लाइफ बॉय की तरफ से उन बेटियों के लिए जो अपनी माँ की सपोर्ट से आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि लाइफ बॉय का ये बिलीव है कि माँ और बेटी का रिश्ता बहुत खास है। ब्रेक के लिए यहाँ पे मैं रुक रही हूँ, और ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात कुछ और ऐसे लोगों से कराएंगे जिन्होंने हॉबीज अपनी रखी हुई हैं और वो बड़ी अच्छी तरह से उनको मैनेज कर रहे हैं। अब कुछ और ऐसी हॉबीज जिसमें एक है स्टैम्प कलेक्टिंग, और ये शौक जो है ये सबसे बड़ी एशिया की कलेक्शन इस वक्त जिस शख्सियत के पास है वो मेरे साथ है, शकील अहमद साहब, ख्वाजा मुगीस अहमद साहब। मुगीस साहब कैसे? शकील भी मेरे साथ है, और शकील की बड़ी कलेक्शन है करेंसीज की, और आपने शकील करेंसीज की इतनी बड़ी कलेक्शन के लिए अप्लाई किया है अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। आपका लगता है कि दुनिया में किसी के पास इतनी कलेक्शन नहीं है इतनी सारी करेंसी की, और आपका जो ये स्टैम्प कलेक्शन है कितने चीजें हैं इसमें? मेरे पास ज्यादातर पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान कंप्लीट है, फिर उसके फर्स्ट कवर्स हैं, और उसके अलावा ये वर्ल्ड की हैं, थीमेटिक ये फर्स्ट कवर्स हैं। हर स्टैम्प जब इशू होती है ना तो उसका एक कवर साथ इशू होता है। अच्छा,
ये तो बहुत कम लोगों के पास बेसिकली फ्यू डेज मिलता है वेरी स्टार्ट में. अच्छा, तो ये वो कवर्स हैं जो कि आपके पास हर स्टैम्प्स के साथ एक इशू होता है. ठीक है, और उसके साथ स्टैम्प्स कब से शुरू होती हैं आपके पास? मेरे पास 47 से लेके अप टू डेट तमाम है. ये 2016 की 47 की कौन सी है? ये 47. ये 1947 की. ये वो डाक की टिकट्स थी जो पाकिस्तान के क्याम के वक्त राइट्स थी, और उन दिनों में तो खत भी बहुत लिखे जाते थे. खत ही लिखे जाते हैं तो उस जमाने में तो यही तरीका होता था. तो ये स्टैम्प्स लगती थी उसके ऊपर, जिन सब के ऊपर वो किंग की तस्वीर. हाँ, किंग जॉर्ज की तस्वीर. पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम अपनी 48 में जो पाकिस्तान की पहली स्टैम्प्स थी ये वो है, उससे पहले कैमरे से आपने जो स्टैम्प देखी है उस पर किंग जॉर्ज की तस्वीर थी. इसमें आप देख रहे हैं पाकिस्तान की अपनी कुछ चीजें जो है उनकी तस्वीर आ गई, और ये 48 पे जारी की गई थी ये स्टैम्प्स. अच्छा, इसमें चांद तारा भी नजर आ रहा है, तराजू का निशान भी नजर आ रहा है इसमें. ये कौन सी बिल्डिंग है? मुख्तलिफ इमारतें जो है उनकी तस्वीरें हैं. ठीक है, शाही किला है एक में, ये आगे चलती जाएंगी. ये 1949 की स्टैम्प्स है. 1949 में क्याम पाकिस्तान के जब 2 साल हो चुके थे तो ये वाली स्टैम्प्स जो है ये जारी की गई थी. अच्छा, उसके बाद ये आगे चलता जाएगा. ये 54, 55 और 56 में ये वाली स्टैम्प्स जो है ये लोग खतों पे लगा लगा के भेजा करते थे. कोई किसी ने खत लिखे हुए उस जमाने में? कोई आंटियां बैठी? नहीं, सारे आजकल के दौर के बच्चे, इन्हें पता ही नहीं कि किस काम आती हैं स्टैम्प्स. अच्छा, ये फिर कौन से साल की है? ये 57, 58 एंड 59. 57, 58 एंड 59. और ये 60 ईयर वाइज चलता जाएगा. ये 1960 में, ये 61. और ये 1960 में जो ये हमारे पास थी स्टैम्प्स, और ये 1961 में जो ये 1962 में कुछ मैं देख रही हूँ मेमोरियल भी है. हाँ जी, यानी वो कुछ खास इवेंट्स या मौके के लिए, जैसे ये मच्छर वाली जो है ये मलेरिया के आई थी, तब मलेरिया पे इन्होंने शुरू की थी उसकी क्योर के लिए. तब मलेरिया के लिए क्योर के लिए की गई थी. ठीक है, इसमें दो किस्म की होती है ना, ये थीम डेफिनेटिव ये रूटीन में आती है, ये बाकी सारी कमेमोरेटिव है. कमेमोरेटिव है, बिल्कुल सही. और ये 1963 की स्टैम्प्स जो की 1963 में राइट्स थी और लोग खतों पे लगा के भेजते थे, 1964 में वो कुछ ऐसी हो गई थी, 1965 मिसिंग है बीच में. नहीं, ऑन दिस पेज 1965 में ये है, 66 में हमें कायदे आजम की तस्वीरें नजर आती हैं और कुछ, और फिर स्टैम्प्स का साइज भी थोड़ा सा बड़ा होता है. फिर 68 में ये हो गया. अच्छा, ये इतनी बड़ी कलेक्शन किसी और जगह पे पाकिस्तान के किसी म्यूजियम में मौजूद है? नहीं, होगी, काफी लोगों के पास है. ठीक है, ये फर्स्ट लार्जेस्ट स्टैम्प थी. अच्छा, ये पूरी दुनिया में लार्जेस्ट थी? नहीं, पाकिस्तान से, पाकिस्तान की लार्जेस्ट स्टैम्प जो के इशू की गई है, बनाई गई. अच्छा, मुझे बताइए ये स्टॉक से क्या मिलता है? बस शौक है, आपने सबको कहा है कि शौक है. हाँ, कब हुआ था आपको ये शौक? ये राउंड अबाउट 35 इयर्स हो गए. और कैसे आपने इसको क्लास? अच्छा, तो कैसे आपने इसको मैनेज किया, मतलब इसमें क्या चीजें, आप कहाँ से तरद्दुद करते हैं स्टैम्प्स? ये पहली दफा तो मुश्किल था हासिल करनी, अब मेरे पास तो है ना, अब नई तो ऐड ही होनी है इसमें. ठीक है, तो पहली दफा वाली आपने 1947 वाली कहाँ से ली थी? वो मुख्तलिफ दोस्तों से, किसी डीलर से. अच्छा, इस तरह लोगों से परचेज की. अच्छा, और फिर कब, किस साल तक की आपको परचेज करनी पड़ी? ऑलमोस्ट मैंने जो महकमा डाक से लेनी शुरू की थी वो 80 से शुरू की थी. अच्छा, उससे पहले डायरेक्ट, उससे पहले सारी आपने इस तरह कुछ गिफ्ट हुई? अच्छा, कुछ परचेज की. ये महंगा शौक है? काफी महंगा है. अच्छा, ये तकरीबन ये 1.5 लाख की कलेक्शन है. ये 1.5 लाख की कलेक्शन है सिर्फ ये स्टैंप. अच्छा, ये कॉस्टली होती है. अच्छा, क्योंकि ये रेयर होते हैं, कम होते हैं. ये जो आप बता रहे हैं कि उनके कवर्स जो के पहले शाया होते हैं, तो कभी आपने सोचा कि इनको खुदा ना खास्ता बेचना पड़े, या तो फिर क्या? बेचना ही नहीं, बेचना ही नहीं, भले कोई कितने भी पैसे दे दे. कलेक्शन है वो तो नहीं ना. आपके बाद बच्चों में आगे शौक है? मेरे बच्चों में नहीं है फिलहाल. नहीं, तो ये फिर क्या बनेगा? ये कौन इसको, एक होता ना कि ब्याह तो बेटे के बाद अब्बा के बाद बेटे. अरे बेगम को दे देंगे, बेगम इसको बेच के चूड़ियां ले ली तो फिर ये बैठी है बेगम. अरे बेगम साथ हैं, आइए आप भी. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ये आपके मियां ने ये जो शौक पाल रखा है,
ये कैसे इसको मैनेज करते हैं, कवर शवर आपसे तो नहीं चढ़वाते, इनको संभाल के रखने का आपकी जिम्मेदारी? पहले तो आई डोंट नो कि कैसे मैनेज करते थे, शादी के बाद मैं इनको मैनेज करती हूँ, है ना। मतलब घर में जो मुझे पता है शौक अपने होते हैं और उनको संभालने की जिम्मेदारी घर की खबर जो बिखरा हुआ होता है वो फिर मैं समेट नहीं सकती क्योंकि ये खराब हो जाएगा। हाँ तो वो फिर तो आप इनको मतलब कवर करा करा के संभाल के रखती हैं? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। फिर आप क्या क्या करती हैं? मैं बस ये है कि केयर करती हूँ इनकी चीजें खराब ना हो, और अपना बेडरूम का एक पार्ट मैंने इनको दिया हुआ है जहाँ पे बैठ के ये काम करते हैं। अच्छा, तो इसमें काम क्या होता है? अच्छा, इनको मैनेज करना, इनको कुछ इनका कॉम्पिटिशन होते हैं जब तब ये अरेंज करते हैं इसको लेके जाते हैं। हाँ जी, कभी आपको गुस्से हुए कि भाई फलां चीज कहाँ है ये खराब हो गई? मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स। फिर आप उसके उस जवाब में कैसे मैनेज करती हैं? ज्यादातर चुप रहती हूँ। सुन लेती हैं जो भी डांट डपट होती है। बिकॉज शौक जो है ना ये एक्सट्रीमर्स को ही होता है ऐसा शौक। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन ये अच्छी बात है कि आपका अच्छा शौक हो, क्योंकि अगर आपने कोई अच्छा पॉजिटिव हेल्दी शौक नहीं है, बाहर नहीं उस तरह से जाते हैं, उस तरह से मतलब घर में ही रहते हैं और ये कुछ ऐसा भी नहीं है, हार्मफुल भी नहीं है। हाँ, तो इसलिए वो एनिमल्स को देख के तो मुझे वैसे ही डर लग रहा था, ये इतना हार्मफुल नहीं है। हाँ, ठीक है, कोई इतना तकलीफ देने। हाँ, तो इसलिए आप इस पर खुश हैं? हाँ, बिल्कुल सही, खुश रहना पड़ता है। थैंक यू सो मच, मेहरबानी। इसी तरह से जैसे मैंने आपको कहा था कि सबसे बड़ी कलेक्शन जो कि करेंसी की है, जिसे हम कह सकते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी कलेक्शन, वो है शकील अहमद की। तो शकील, आपके तो सारे सिक्के मैंने देखे हैं, ये कुछ नई चीजें हैं जो मैं देख रही हूँ? ये चाइना के यादगारी सिक्के हैं, ये सारे के सारे? बिल्कुल, ये एनिमल्स पे वो जारी किए हैं उन्होंने, उनके जो साल है, चाइना का जो साल है वो जानवरों के साथ मंसूब होता है। सॉडिक कॉइंस हैं इनमें कुछ, उनका हर साल जो है वो कोई चूहे का साल होता है, कोई बकरी का साल होता है, कोई शेर का साल होता है। ये वाला साल वैसे किस चीज का मुझे याद नहीं है, तो हम सर्च करके आपको बताते हैं। लेकिन हर एक साल जो है वो एक जानवर के साथ उनका मंसूब होता है, और उसके उसके वो जो जोडिक साइन और एस्ट्रोलॉजी स्टडी करते हैं वो हवाले से करते हैं। अच्छा, और ये भी मैं पहली दफा देख रही हूँ जिसपे ये कलमा लिखा हुआ है। जी जी। और ये कुछ, ये कौन से कॉइन्स? ये मुगल पीरियड के कॉइन्स हैं, जिसमें सारे मुगल एम्परर उनकी एक कंप्लीट कलेक्शन मैंने जो है ये की है। अच्छा जी जी, बाबर से लेके बहादुर शाह जफर तक, बाबर, जहांगीर, बहादुर शाह, उसके अलावा जो है तकरीबन 470 मुख्तलिफ किंग्स के जो अराउंड द वर्ल्ड रूलर्स रहे उनके कलेक्शन मैंने की है किंग्स की। अच्छा। और उसके लिए मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी अप्लाई किया हुआ है कि सबसे ज्यादा किंग्स की कॉइन्स की कलेक्शन जो है वो मेरे पास है। किंग्स की, यार बड़ी बात है, तालियां होनी चाहिए इसके। ये आपको अंदाजा नहीं है कितनी बड़ी कलेक्शन है इसे, कि वो याद है सूरतुल काफ में जो जिक्र है वो कॉइन्स ही लेके गए थे उस जमाने के, तो लोगों ने कहा था कि ये सिक्के कहाँ से आए, ये तो सिक्के बहुत अब नापैद हो चुके हैं। तो उन सिक्कों से फिर असहाबे काफ जो है उनको, उन लोगों ने पहचाना था कि अच्छा ये कोई मोजज़ाती लोग हैं। सो सिक्कों की कलेक्शन जो है, ये पर्शियन किंग्स हैं उनकी इस कलेक्शन है जो आए हैं मुख्तलिफ औकात में, सासानियन डायनेस्टी से लेके अब तक जितने भी पर्शियन किंग्स आए हैं, रजा शाह पहलवी तक, वो सारे कॉइन्स मैंने कलेक्ट किए। अच्छा, वेरी गुड। तो ये ईरान वगैरह में कैसे आपने जाके ये सारा? ईरान से नहीं, कलेक्ट सारा यहीं से किया है, मेरा कोई इंटरनेशनल टूर नहीं हुआ, यहीं से बैठ के मैंने एफर्ट किए एक हर चीज के लिए एक्सेस जो है ना वो कैसे क्रिएट किया। ये तो ईरान के बहुत सारे लोगों के पास भी हो सकता है ना? हाँ, इस तरह का होता है कि एक पैशन था मुझे कि मैंने जो है ना ये हर किंग का सिक्का जो है ना कलेक्ट करना है, ठीक है, और हर कंट्री का कॉइन मैंने कलेक्ट करना है। मुझे निजाम सिक्के का सिक्का दिखाओ। निजाम सिक्के का जो उनका लेदर में था, और लेदर की लाइफ नहीं होती कोई। अच्छा। और लिमिटेड एडिशन था। निजाम सिक्के का पता है, निजाम सिक्का कहते हैं उसका, सिक्का क्या था निजाम सिक्का जो है, उससे बादशाह ने पूछा कि बताओ तुम्हें क्या दिया जाए, तो उसने कहा कि बादशाहत, एक दिन की, एक दिन का बादशाह बनना चाहूंगा, तो एक दिन के लिए बादशाह बन गया। तो उसने अपनी जो मश्क थी वो कटवा के चमड़े का सिक्का राइज किया था। उस सिक्के के बारे में मैं शकील से पूछ रही हूँ कि सारे बादशाहों की करेंसी है, तो मुझे निजाम सिक्के की करेंसी भी दिखाई। आई थिंक वो तो हमारे लाहौर म्यूजियम में भी नहीं है। हाँ जी, वो तो हिस्ट्री में ही हम बातें सुनते हैं कि इस तरह की चीजें थी। किस किस को हिस्ट्री से दिलचस्पी और लगाव है? किसी को नहीं है, सानू की जो गुजर गया सो गुजर गया। अच्छा, ये कौन सी वाली? ये अफगानिस्तान के रूलर्स हैं, जिसमें ये देखें, यकूब शाह, मीर शाह, दुर्रानी पीरियड थे, अहमद शाह दुर्रानी और अहमद शाह अब्दाली वगैरह, और उसके अलावा जो है ये तुगलक फैमिली जो है, ये इस्लामी डायनेस्टीज सारी इसमें कवर हैं, डायनेस्टी सिविलाइजेशन जितनी थी हमारी। ठीक है, ये सब वो अफगानिस्तान से जो रूलर्स आते रहे हैं, ये उनके सिक्के जो के राइट होते रहे।
ये मंगोल एम्पायर जो थी हलाकू खान उसके आगे डायनेस्टी चली चंगेज खान वगैरह कॉइन्स जो है ना उसकी डायनेस्टी के हैं ये उनके हैं इनके सिक्कों पे क्या बना होता था वैसे इनके सिक्कों पे बेसिकली उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती थी और वो कलमा जो है ना पीछे वो लिखते थे क्योंकि थोड़ा सा इस्लामिक पैटर्न को फॉलो किया करते थे मंगोल्स भी जो थे अच्छा ला इलाहा इल्लल्लाह आगे क्या लिखा हुआ पूरा कलमा लिखा हुआ है सारा ना ये जी जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह जी जी ये हलाकू खान का सिक्का है ये इस्लामिक पैटर्न्स को ये बड़ी हैरानगुन बात है कि कॉइंस पे इस्लामिक पैटर्न्स को फॉलो करते थे मतलब मुसलमान तो नहीं थे मुसलमान नहीं थे लेकिन ये इनके कॉइंस का यही है इंटरनेशनल कैटलॉग में इनके कॉइंस निकाल के देखें तो उस पर आपको कलमा मिलेगा बाद में जाके इन्होंने अब्बासी डायनेस्टी जो है वो उसे जो है डोमिनेट किया था सही सो ये जनाब हलाकू खान और चंगेज खान के दौर में जो सिक्के रहे हैं और ये कौन से ये मुख्तलिफ एम्पायर के सिक्के हैं जिसमें गुजरात के किंग हैं और बाहमनी किंग्स वगैरह हैं मुख्तलिफ फतेह शाह वगैरह के सो ये लोकल कुछ थोड़े राजा महाराजा के हमारे इधर मिड ये जो है सब कॉन्टिनेंट के ठीक है महाराजा के कॉइन्स हैं उनके कॉइन्स हैं उस जमाने में जो भी सिक्का जो है ये गजनवी और गौरी डायनेस्टी के कॉइन्स हैं अच्छा तो इसमें सुल्तान महमूद गजनवी का भी है कोई गजनवी का भी है इसमें गौरी का भी है मुख्तलिफ हैं उसके आगे से जो बेटे थे सबके हैं लेकिन वो उसमें होगा आगे कलेक्शन में इसमें शहाबुद्दीन गौरी का है बिल्कुल गौरी का भी है ये सारा अच्छा शहाबुद्दीन जो है ये वो बादशाह था शहाबुद्दीन गौरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग शहाबुद्दीन ही था ना शहाबुद्दीन की किसी को पता है हिस्ट्री के शहाबुद्दीन गौरी कौन था ये पृथ्वीराज चौहान को जिसने यहाँ पे आके शिकस्त दी थी शहाबुद्दीन गौरी वो बादशाह था जिसके ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे वही थे ये अल्तमश की आप बात कर रहे हैं नहीं अल्तमश की बात नहीं मैं शायद फिर गजनवी इनमें चेक करना यार इनमें से कोई एक बादशाह था जिसके ख्वाब में नेपोलियन बोनापार्ट सिकंदर आजम का और नेपोलियन सिकंदर का भी है ये साथ है जूलियस सीजर रोमन जो बादशाह था अच्छा ये कहाँ से मिला आपको ये यूरोप से मंगवाया था मैंने ये जूलियस सीजर जूलियस सीजर का कॉइन अच्छा वाह क्या बात है सो सीजर जी जी और ये किसके ये ऊपर सबके वैसे मैंने मेंशन किया हुआ ये भी दुरानी और कुछ स्टेट्स हैं हमारी ये ब्रिटिश जो थे हमारा एडवर्ड जॉर्ज वगैरह उनके कॉइन्स हैं ये बहुत बड़ी कलेक्शन है जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं अभी मैं सारी कैरी करके नहीं लाया क्योंकि 96 केजी उसका वेट है तो मैं सारी नहीं ला सका अच्छा अच्छा शकील कितना टाइम लगा इन सबको जमा करने में आप तो खुद अभी यंग हो माशाल्लाह जी ऑलमोस्ट मैं 8वीं क्लास से कर रहा हूं 15 इयर्स ऑलमोस्ट हो चुके तो ये इतने आपने यादगारी सिक्के इकट्ठे किए खासतौर पर किंग्स की आर्काइवल वैल्यू है जिनकी ये तो आसार कदीमा मैंने बताया था लास्ट टाइम भी आपको कि म्यूजियम्स को मैंने डोनेट किए हैं हाँ। जी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी लास्ट में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के डीजी थे औरिया साहब तो उनको मैंने कुछ चीजें जब वो डीजी थे गिफ्ट की थी कसूर म्यूजियम को मैंने कलेक्शन मेरी वहाँ पे लगी हुई है तो उसके साथ मुझे हिस्ट्री का भी शौक था नॉलेज गेन करने का भी शौक था और उस चीज़ों को रिसर्च करने का भी शौक था तो मैंने ये सारी चीज़ें पहले मैं किंग पढ़ता था फिर मुझे इंस्पायर होता था फिर उसके बाद उसकी कलेक्शन के लिए जो है ना मैं अफोर्ड करना शुरू कर देता इसी तरह मैंने 331 कंट्रीज की कलेक्शन इकट्ठी की जिसमें आइलैंड्स के सिक्के हैं मुख्तलिफ और 240 कंट्रीज के 2900 बैंक नोट्स मैंने कलेक्ट किए बिल्कुल सही लेकिन ये शौक होना चाहिए ना अब बहुत सारे लोगों को ये जो हमारे सामने बैठे हुए हैं इनको पता भी नहीं है जिन बादशाहों का हम जिक्र कर रहे हैं और ना इन्हें महमूद गजनवी का पता है ना इन्हें अल्तमश का पता है ना इन्हें शहाबुद्दीन गौरी का पता है टीपू सुल्तान तक का नहीं पता तो फिर उनको सिक्कों से क्या टीपू सुल्तान हैदर अली रजिया सुल्ताना सारे किंग्स मैंने कोई नहीं छोड़ा मतलब जो रह गया कॉन्टिनेंट का जो रह गया जबरदस्त जी बहुत कमाल क्या बात करेंसीज हमने आपको पहले भी दिखाई हुई है इसी तरह से शकील के पास करेंसीज की भी कलेक्शन है जिस तरह से कॉइन्स की है सो ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं और कुछ और ऐसी हॉबीज जो आपको चौंका देंगी खुशामदीद आज हम बात कर रहे हैं कि जिंदगी में इंसान के शौक और मशगले जरूर होने चाहिए लेकिन वो पॉजिटिव हेल्दी होने चाहिए जिससे किसी दूसरे को नुकसान ना हो और वो अपने आप को ऐसे मशगूल रखे कि जिससे उसका दिल भी खुश रहे वक्त भी गुजरता रहे और उसे कोई ना कोई फायदा भी हासिल होता रहे
अच्छा वॉल क्रीमी डिलाइट जो आपको छोटी छोटी खुशियों की अहमियत बताता है और आपकी फैमिली की खुशियों को बढ़ाता है। और वॉल क्रीमी डिलाइट में 14 अगस्त की एक स्टोरी एक माँ अपने बच्चे को सुना रही है कि किस तरह से पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, किस तरह से पाकिस्तान की कहानी जो है वो एक क्रिएटिव अंदाज में अपने बच्चे को सुनाती है। और फिर एक मजेदार डिलाइटफुल वॉल क्रीमी डिलाइट जिसके साथ तो 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हम अगर अपने नेशनल डेज को नहीं सेलिब्रेट करेंगे तो और कौन करेगा। और एक बहुत खूबसूरत अंदाज ताकि हमारे बच्चों के अंदर वो जो जज्बा है हुब्बुल वतनी है वो जिंदा रहे, वो इसी तरह से नस्ल दर नस्ल चलता रहे। तो एक छोटी सी कहानी आप भी देखेंगे। सुने आजादी की मजेदार कहानी और साथ में बनाना सीखें ये डिलिशियस ट्रीट वॉल्स क्रीमी डिलाइट्स आजादी ट्रीट। इसको बनाने के लिए चाहिए कई साल पहले का जिक्र है कि एक नए मुल्क की बुनियाद डाली गई, हर तरफ से लोगों ने मदद की, तहरीक शुरू हुई, अपने मुल्क के लिए सबने हाथ बटाया और मिलकर जिद्दोजहद की, सब मुश्किलात को दूर किया और एक नया मुल्क बना। बड़े प्यार से इसका नाम पाकिस्तान रखा, चांद तारे के साथ इसका फ्लैग बनाया। इस आजादी की खुशी हम 14 अगस्त को मनाते हैं और साथ ही वॉल्स आजादी ट्रीट खाते हैं। जी ये इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने है, ये दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बना हुआ ताला है और इसका जिक्र जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ये वो सर्टिफिकेट है जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का मेरे मेहमान को मिला है और उसके साथ ये वो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसका हम अक्सर तस्करा सुनते हैं। सो इसमें आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं दुनिया के सबसे बड़े हाथ से बने हुए ताले के साथ। सो शेख जफर इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम, दूसरी मुलाकात है मेरी आपसे, माशाल्लाह क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं क्या हाल? आपका ताला कैसा है? ताला देख लें जी, जंग शंग तो नहीं लगा? नहीं नहीं, उसी तरह, बल्कि उससे अच्छा है, इसको निखार के लाऊं मैं। अच्छा वाह वाह, ये बड़ी बात है, हम तो घर में ताला रखे तो उसको जंग लग जाता है। नहीं नहीं, इसको इंशाल्लाह नहीं लगा, इसको क्रोम करवाया। अच्छा क्रोम करवाया, जी जी। तो बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। अच्छा मुझे बताइएगा कि कितना टाइम लग गया था इस ताले को बनाने में? इसको बनाते वक्त तकरीबन 3 साल लगे हैं जी, और इसका ये मुकम्मल हाथ के साथ बना हुआ है। अच्छा, और इसकी मैं आपको ये खूबी बता दूं कि इसको एक बच्चा भी आसानी खोल सकता है, बंद कर सकता है। कह रहे हैं ये मैंने खोला था, अच्छा खासा जान, नहीं जान तो लगती है लेकिन बच्चा भी खोल लेगा। अच्छा बच्चे जानदार होना चाहिए, जानदार होना चाहिए। चले मैं 3-4 बच्चों को यहाँ पे, वैसे मेरा बेटा भी आया हुआ है, नुमान जफर आया हुआ है, वो खोल सकता है। वो तो माशाल्लाह जवान बच्चा है ना, मैं छोटे छोटे बच्चों को बुलाती हूँ, आओ बेटे आप आओ आओ आके जरा ये ताले को खोलने की कोशिश करिए, चाबी इसमें लगी हुई है, आ जाए जल्दी से, आप भी आए जल्दी से, आए आप भी आए, जिस जिसको लगता है उसके अंदर बड़ी जान है ना, आके जरा इस ताले को खोल के दिखाएं। इसकी चाबी को किस तरफ घुमाना है शेख साहब, उस तरफ के इस तरफ? मैं बता रहा हूं, सीधे हाथ घुमाना है कि उल्टे हाथ? आओ बेटा चले आए, लगाएं जोर, खोलें, आपने नहीं लगाना, आपने नहीं लगाना। अच्छा, अच्छा। उन्हें लग करने दें बेटे, आप लोग जरा साइड पे हो जाएं, जी बताएं, लगाएं, लग रहा है जोर? नहीं, दूसरे आए, आ जाए आप, आए आप कोशिश करें, नहीं जी आ जाओ, से नहीं पकड़ रहे, आ जाए। अच्छा आप जवानों में से कोई जिसे लगता हो यार बड़ा जोर है, हम तो बड़े कड़ियल जवान है, आ जाए आ जाए, आ जाए आके ट्राई, नहीं हो रहा ना, बस ठीक है आ जाए, तो ये जब खुलता है तो ये उठता है, ये कितना किलोग्राम वजन है इसका? इसका चाबियों के साथ 102 किलो वजन है, चाबियों के साथ 102 किलो, एक चाबी का वजन है 3 किलो, 3 किलो, दो चाबियों का वजन है 6 किलो। आपकी चाबियों के साथ एक्सरसाइज बड़ी अच्छी तरह से ऐसे ही, ऐसे ही है, जो बंदा चाहे तो वो आर्म्स की एक्सरसाइज। मैं असल में ना इसका थोड़े आपको थोड़ी डिटेल बताना चाहता हूँ जी, और सबसे पहले तो मैं आपका बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे ना चीज को इस काबिल समझा, दूसरा A+ का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, तीसरा यह है कि इस ताले के मुझे 5 लाख पाउंड मिल रहे थे पाकिस्तानी करेंसी, तकरीबन 7 करोड़ रुपया, मैंने कहा ये ताला नहीं बेचना, ये मुल्क का एजाज है, पाकिस्तान का एजाज है, ये मेरा एजाज नहीं है।
پوری پاکستانی قوم کو 14 اگست کے حوالے سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اتنے پیسے کسی کو ملے وہ اپنا ضمیر بھی بیچ دیتے ہیں, اپنی روح بھی بیچ دیتے ہیں, وطن تو دور کی بات رہی. میں عرض کرتا ہوں جی کہ پیسے کی کوئی ویلیو نہیں ہے, پیسہ نہیں جانی شاید, یہ ملک ہے تو ہم ہیں. کیا بات. خوبصورت. اچھا یہ حقیقت ہے کہ آج اگر شیخ ظفر اقبال کا گنیز بک ورلڈ کتاب میں نام ہے تو پاکستان کی وجہ سے ہے. ظفر اقبال کی وجہ سے پاکستان کا نام نہیں ہے, پاکستان کی وجہ سے شیخ ظفر اقبال لکھا ہوا ہے. کیا بات, یہ حقیقت ہے. کیا صرف گنیز بک میں نام لکھوانے کے لیے تالا بنانے کا خیال آیا تھا یا کیوں بنایا تھا؟ ابھی آپ کو شوق ہے اور یہ تالوں کے ساتھ کیا دلچسپی ہے آپ کی؟ اصل میں شروع ہی سے جب ہجرت کر کے میرے والد محترم پاکستان آئے تو انہوں کا شال مارکیٹ میں تالوں کا ہی کاروبار تھا. میرے خیال میں بھی ایسے ہی بیٹھ جاؤں. آجے تسلی سے بیٹھے, ایک کشن دے دیں وہاں سے. گلاب پلیز اگر آپ یہ کشن پکڑا دیں ہمیں. اچھا پھر آپ کا تالوں کا ہی کاروبار تھا اور بر صغیر سے آپ لوگوں کا مطلب آپ انڈیا سے مائگریٹ کر کے آئے تھے. اچھا پھر یہ رکھ دیں وہاں. یہ صحیح ہے. اچھا شروع سے میرے والد محترم الحاج محمد رفیق صاحب امرتسر سے ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے. ٹھیک ہے. اور ان کا شروع سے یہی ان کا یہ تالوں کا, چھریوں چاقوں کا, شال مارکیٹ لاہور میں کاروبار تھا. ٹھیک ہے. تو میرے والد صاحب نے بھی ایک تالا بنایا تھا جس کا وزن 52 kg تھا. 52 kg. صحیح, 52 kg. تو ہوا ایسا کہ ایک دفعہ والد صاحب میرے 1987 کو اللہ کو پیارے ہو گئے. ایک منٹ رکیے گا بھائی جان, کون سی امپورٹنٹ کال ہے جو لائف فون کے دوران آپ کی چل رہی ہے؟ مجھے بتائیں کس سے بات کر رہے ہیں جو 2 منٹ بھی ٹھہر سکتا اور اسے کال کرنا بڑا ضروری ہے. بتائیں کس کی کال تھی, دوست کی تھی یا کسی خاص دوست کی تھی؟ کس کی تھی؟ دوست کی تھی. اچھا جی, اچھا سوری جی. تو 1998 میں نام میں نے اخبار میں پڑھا کہ انڈیا نے دنیا کا سب سے بڑا تالا بنا لیا. اچھا میں نے جب دیکھا ہے تو میں نے کہا نہیں یہ انڈیا والوں نے نہیں بنایا, یہ پاکستان والوں نے بنایا ہوا ہے. پہلے تو میرے والد صاحب نے بنایا تھا. تو وہ میں نے دیکھا وہ تقریباً 60 kg کا تالا تھا, 60 kg. اور وہ گنیز بک میں آپ نے دیکھا یا اخبار میں دیکھا؟ اخبار میں دیکھا. اچھا انہوں نے ابھی بنایا تھا 60 kg کا وہ تالا تھا. تو مجھے بڑا تعجب ہوا, میں نے کہا یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انڈیا ہم سے تالے میں آگے نکل جائے. ہاں جی ہاں, شیخ ابھی شیخ ظفر اقبال ابھی زندہ ہے. نہیں پاکستان زندہ ہے, پاکستان ہے, پاکستان ہے. تو میں نے کہا نہیں یہ تو پاکستان کا نام آئے گا. تو آپ یقین کیجئے گا کہ 3 سال اس کے اوپر اس کا فریم کاٹا ہے اور خصوصی طور پہ میری وائف نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے, میرے بچوں نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے. دن رات کر کے اس کو میں نے ہاتھ کے ساتھ مکمل کیا ہے, کسی قسم کی موٹر استعمال نہیں کی ہے. اور جب یہ مکمل کر لیا پھر میری حقیقت میں میری تعلیم نہیں ہے. جب میری تعلیم نہیں ہے تو میرے ایک دوست نے میری بہت ہیلپ کی, جس میں خاص طور پر وہ ویسے تو انہوں نے مجھے منع کیا ہوا ہے لیکن میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. وہ آج کل پنجاب پولیس میں ہیں, عابد رشید صاحب. اچھا. ایس ایچ او لگے ہوئے ہیں, عابد رشید صاحب انسپیکٹر ہیں. انہوں نے میری بہت مدد کی ہے, وہ کیونکہ میری تو تعلیم نہیں ہے نا. انہوں نے یہ گنیز بک ورلڈ کتاب والوں سے رابطہ کیا ہے, پھر وہ ان کے نمائندے آئے ہیں, ان کے ساتھ بات چیت کی ہے. تو چلو جو جس میدان کے آپ ماہر تھے اس میدان میں آپ نے انڈیا کو ہرا دیا. الحمدللہ پاکستان نے ہرایا. میں نے تو یہی اسپرٹ ہمیں چاہیے کہ جس جس میدان میں ہم ہیں اس میدان میں ہم اپنے ملک کا نام روشن کریں, تو انشاءاللہ ہر ایک میدان میں ہم جیت سکیں. ایسا ہی ہے, انشاءاللہ پاکستان کا نام انشاءاللہ پوری دنیا میں روشن ہے. ویسے میں آج ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ گنیز بک ورلڈ کتاب میں تو میرا نام آ گیا, پاکستان کا نام آ گیا, بہت عزت مل گئی, میرے بچوں کو بھی بہت عزت مل گئی. میں ویسے آج چاہتا ہوں اپیل کرنا چاہتا ہوں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر پاکستان جناب محترم ممنوع حسین صاحب اور شیر پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم سے کہ وہ اپنے چند لمحات سے مجھے چند لمحات عطا ملنا چاہتے ہیں. میں ان کو یہ تالا دکھا سکوں دیو ایکل دنیا کا سب سے بڑا. ٹھیک ہے. وہ مجھے چاہے کچھ بھی انعام نہ دیں تب بھی دے دیں. چلیں یہ میرا حق بنتا ہے, میرا یہ پاکستان کی
बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये बड़ा ही कमाल किस्म का ताला है और आपने बड़ी सी मेहनत से, लगन से, शौक से बनाया है, जो आपने पाकिस्तान का जिस तरह से जिक्र किया सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच शेख जफर इकबाल साहब, आइए तशरीफ रखेंगे, हम अपनी बातों को जारी रखेंगे इस सिलसिले को। मैं जिस बादशाह का जिक्र करी थी वो नूरुद्दीन जंगी थे। नूरुद्दीन जंगी वो बादशाह हैं कि जिनके ख्वाब में, इनको एक ख्वाब आया था कि दो कुत्ते जो हैं वो आप सल्लम के, मतलब उसकी सऊदी अरब की तरफ या आपके जिसे मस्जिद नबी के नाम से जानते हैं उस तरफ, और उनको ख्वाब में आवाज़ आई थी कि आओ और मुझे जो है इनसे बचाओ। तो नूरुद्दीन जंगी के बारे में कहा जाता है कि वो घोड़े पे सवार हुआ था यहाँ पे, यहाँ से इंडिया, इंडो पाक से नहीं, ये बरसगीर पे उसकी हुकूमत थी, यहाँ से वो गया था और वहाँ पे जाके उसने फिर बेनकाब किया था। यहूदी थे दो और वो यहूदी जो है उसने सारे मक्का के लोगों को बुलाया, उनकी दावत की, उसने कहा सब लोग आ गए हैं, उनकी सब लोग आ गए। दो चेहरे जो दिखाए गए थे उसने ख्वाब में, उसने कहा वो तो इनमें नहीं है। फिर उसने पूछा कोई और ऐसे हैं जो नहीं आए, तो उन्होंने कहा जी दो बहुत इबादत गुजार लोग हैं, इंतहाई इबादत गुजार लोग, वो तो हुजरे से निकलते ही नहीं हैं, मस्जिद नबी से मुत्तसिल, वो तो इबादत गुजार रहते हैं वहाँ पे। उसने कहा उनको बुलाएं, उनसे जाकर वो मिले वहाँ पे। तो जिसको तमाम लोग इंतहाई इबादत गुजार जानते थे वो लोग वहाँ पे उस हुजरे को जब टटोला गया, देखा गया, तो वो सुरंग खोद रहे थे और उनका नापाक इरादा ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद खाकी तक पहुँचा जाए, आप सल्लम के जिसमें मुबारक थे, जिसमें अथर तक, लफ्ज़ों की माजरत कबूल कीजिएगा, मेरा मतलब बिल्कुल हरगिज़ ये नहीं है, जिसमें मुबारक तक पहुंचा जाए और फिर उसको किसी भी तरह से जो भी उनका इरादा था। सो उसने सीसा और तांबा पिघला के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी वो अहाता है, वो जगह है, उसको सील किया था। सो ये वो बादशाह है। सो बादशाह जो है, ज़रूरी नहीं होता कि हर बादशाह जो है वो ख़राब हो। फिर इसी तरह एक और बादशाह सुल्तान अल्तमश, ये वो बादशाह है कि एक बहुत बड़े मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और उनका जब विसाल हुआ तो उन्होंने एक वसीयत की, उन्होंने वसीयत की कि मेरा जनाजा वो शख्स उठाएगा जिसमें तीन क्वालिटीज़ होंगी, और वो तीन क्वालिटीज़ में से शायद मैं कोई भूल जाऊँ क्योंकि मैं याददाश्त की जोर पे इस वक्त बोल रही हूँ, उनमें से एक ये थी कि जो शख्स किरदार का बहुत पक्का होगा, उसने सारी ज़िंदगी किसी नामहरम के साथ सोहबत नहीं की होगी, दूसरा ये था कि उसने कभी असर की नमाज जो है वो कज़ा नहीं की होगी, और इसी तरह से तीसरी भी एक शर्त थी जो खासी पक्की शर्त थी जो मेरे जहन में इस वक्त नहीं है। कहते हैं कि अपने वक्त के बहुत बड़े बड़े दीनदार, बहुत बड़े बड़े आलम, बहुत बड़े बड़े मुस्तनद जो लोग थे जिनको दुनिया इल्म के हवाले से और इबादत के हवाले से जानती थी, वो बैठे हुए थे उस जनाजे में। जब ये वसीयत पढ़ के सुनाई गई कि इसके अलावा कोई और जनाजा नहीं पढ़ सकता जिसके अंदर ये तीन शरायत हों और वो इस पर पूरा उतरे, और कहे हाँ मैं इस पर पूरा उतरता हूँ, सिर्फ वो जनाजा पढ़ाए, तो सब बैठे रहे, काफ़ी देर बैठे रहे, सुल्तान अल्तमश भी उनमें था, वो भी बैठा रहा। फिर आखिर जब कोई भी नहीं उठा तो फिर वो सुल्तान उठा और उसने कहा कि जनाब ने मेरा पर्दा चाक करना था तो चलें। आई मीन यानी ये ज़रूरी नहीं होता कि हम समझते हैं कि ताकतवर लोग जो हैं वो शायद साहिब किरदार नहीं होते, बाज़ औक़ात अल्लाह ताला ने जिसको नवाजा हो जिस जगह पे वो उस जगह पे होता है। सो मुझे आपके इन सिक्कों से ये सारी कहानियाँ जो हैं वो याद है, इसलिए कि मुझे हिस्ट्री और इन तमाम चीज़ों से बहुत लगाव है और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इन चीज़ों को इस तरह से महफूज कर रहे हैं। सो ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। आज हमने हॉबीज पे बात की, कोई ना कोई शगल, कोई ना कोई ऐसा मस्बत जो है हेल्दी एक्टिविटी अपनाने से इंसान बड़ा मशगूल रहता है, अपने अंदर बड़ा मुतमईन रहता है। सो आपका शुक्रिया। एक सिंगिंग की भी तो हॉबी होती है ना बहुत सारे लोगों की, वो गुनगुनाते भी हैं, गाते भी हैं शौक से, समसरत और गुलाब। अब हम जाते जाते चाहेंगे खूबसूरत सा गाना, जो जिनकी हॉबी सिर्फ सुनना है उनकी हॉबी हम थोड़ी सी पूरी कर सकें। और डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया शेख सफर इकबाल साहब, शकील साहब आपका शुक्रिया, ख्वाजा मुगीस साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप सब लोग यहाँ पे तशरीफ लाए। इजाज़त लूँगी मैं इसी दुआ के साथ कि हर सुख खुशगवार हो और हर खुशगवार सुख का अंजाम बखैर हो। आइए जी।